हेलो स्टूडेंट, तो आज सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के रिगार्डिंग। तो जो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने स्क्रीन होम स्क्रीन पे ही रखा है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो रिजिड बॉडी का कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पेपर्स में पूछा जाता है, ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, यंग्स मॉडुलस है जो रिजिड बॉडी का कितना है। तो रिजिड बॉडी का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना है, इन्फिनिटी है। इसके आगे देखते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे जनरल बात करें हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ की, जैसे मैंने सपोज मान लिया ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, दिस इज स्ट्रेस, दिस वन इज स्ट्रेन। तो आपसे उन्होंने पूछा भाई जब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनते हैं अलग अलग पॉइंट रिप्रेजेंट, जैसे मैंने ना जनरल मान लिया भाई मैंने दो लाइंस कंसीडर कर ली, एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ यूं है और एक यूं है। उन्होंने पूछा भाई स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ में ए और बी में से किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा, किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। तो जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है, यानी ए का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा क्योंकि इसका एंगल बड़ा है, देखो इसका एंगल ये छोटा है, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। तो स्ट्रेस टेस्ट ग्राफ से अगर यंग्स मॉडुलस बताना है तो कई टीचर्स इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी ठीक है, यंग्स मॉडुलस ई से रिप्रेजेंट भी होता है, तो यूं भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगर वो पूछे भाई सर इसकी स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा, तो देखो अगर स्ट्रेस टेस्ट ग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये वाला यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो टूटने वाली स्ट्रेस किसकी ज़्यादा है, वो एक ही ज़्यादा, यहाँ पर चीज़ टूटेगी और ये यहाँ पर टूटेगी, तो जिसकी टूटने वाली स्ट्रेस ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो यानी मैं कह सकता हूँ एक ही जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी से। तो चलो सर ये भी क्लियर है हमें। तो आगे बात करें हम जनरल सी, हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है रबर इज़ इलास्टिक और स्टील इज़ इलास्टिक, तो ये तो देखो सबको मालूम है भाई जो इलास्टिक है वो स्टील है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि स्टील तो अगर के इलास्टिक है क्योंकि इसकी चेंज इन लेंथ बहुत कम होती है, डी एल मीन्स चेंज इन लेंथ कम होती है। अगर वो बोल रहे हैं कॉपर और स्टील में से कौन इलास्टिक है, तो भी देखो स्टील ही इलास्टिक है। आप देखो शॉक अब्जॉर्बर के जो मटेरियल होता है जनरली वो कॉपर का नहीं बना होता क्योंकि स्टील की चेंज इन लेंथ ज़्यादा होती है, सॉरी कॉपर की चेंज इन लेंथ ज़्यादा होती है, स्टील की चेंज इन लेंथ कम होती है। जिसकी चेंज इन लेंथ कम हो ना तो उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है, यानी ये ज़्यादा इलास्टिक है स्टील, कॉपर कम इलास्टिक है, तो कॉपर कभी एज ए स्प्रिंग के लिए यूज़ नहीं होता। तो जनरली जो स्टील है स्प्रिंग स्टील जिसको कहते हैं, जिसकी यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी अच्छी होती है, वही हमारे हेलिकल स्प्रिंग जैसे कारों के या स्कूटर के बीच में या मोटरसाइकिल के बीच में लगता है। अब जनरल सी बात करें, छोटा सा क्वेश्चन लिया है हमने, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। इसमें तीन रॉड्स हैं, तो जो पहली रॉड है वो ब्रास की बनी है, दूसरी स्टील है, तीसरी फिर ब्रास की बनी हुई है, यानी मैंने इसको फर्स्ट स्टील को और इन दोनों सेकेंड को ब्रास को मान लिया। वेट 50 किलो न्यूटन इज हैंगिंग ऑन द थ्री रोड्स, ये 50 किलो न्यूटन हैंग कर रहा है एज शोन इन फिगर। द क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, तीनों रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 mm स्क्वायर है। उसने स्ट्रेस पूछी है ईच रॉड पे, यंग्स मॉडुलस उसने स्टील और इसका दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात बताइए, ये जो लोड बियर कर रहा है ये जो 50 किलो न्यूटन है, ये तीनों मिलकर लोड बियर कर रहे हैं। तो सपोज मैंने मान लिया जो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो P1 है, इसकी P2 है और इसकी P3 है। चलो P1 P2 P3 की जगह हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमने माना है उसको रॉड को 1, तो इसकी P1 है और इसकी P2 है और इसकी भी P2 है, बहुत बढ़िया क्योंकि दोनों ब्रास के हैं। तो जो नेट लोड बियर कर रहा है वो P1 प्लस P2 प्लस P2, क्योंकि तीनों रोड इकट्ठी ओवे कर रही हैं, यानी P2 प्लस P2 आएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ P=P1+2P2। चलो सर बहुत बढ़िया। तो अभी हमें ये फॉर्मूला मालूम है स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया, तो ये भी हमें मालूम है, देखो ओरिजिनल लेंथ तीनों की बराबर है, साफ नज़र आ रही। जब ये 50 किलो न्यूटन नीचे लगेगा तो ये तीनों की जो चेंज इन लेंथ है, अगर ये थोड़ी सी इतनी बड़ी तो ये भी इतनी बढ़ जाएगी, तो ये भी इतनी बढ़ जाएगी, यानी तीनों की जो चेंज इन लेंथ है वो क्या होगी, सेम। यानी मैं कह सकता हूँ DL(1) = DL(2), यानी स्टील और ब्रास की जो चेंज इन लेंथ है वो सेम है। तो DL का फॉर्मूला आपको याद है, प्ले करके याद कराया, प्ले करके याद करना, PL/AY, ए ई का लीजिए चाहे यंग्स मॉडुलस, तो इसका भी प्ले इक्वल है PL/AE। तो सर ये हमें समझ में आ गया। तो अभी आपने क्या करना है, आपने ना P1 या P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है एक में से। सपोज मैंने P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एक में से, तो P2 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ वो आ जाएगी P1 L1 A1 E1 into A2
E2 अपॉन L2, तो ये लेंथ दोनों की सेम थी ओरिजिनल, तो L1 L1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा P2 है इतना है। तो जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो नेट लोड हमारा कितना है, P की वैल्यू कितनी है, 50 किलो न्यूटन। तो आप इसको 50 × 10³ डाल लीजिए, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए किलो को। जो लोड पहले बियर कर रहा है वो P1 है, वो हमें मालूम नहीं है वो कितना है, तो हमने इसको P1 ही एज इट इज लिख लिया। प्लस 2 P2 है, तो P2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है इन द फॉर्म ऑफ P1, तो वो डाल देंगे, दैट इज P1 अपॉन, ये E1 था, P1 A1 E1 इंटू कितना, A2 E2। तो ये हमारी वैल्यू है। तो अभी देखो हमें E2, यानी ये E2 है ब्रास का, ये गिवन है, E1 भी गिवन है स्टील का, तो हमारे पास A2 A1 दोनों का एरिया भी सेम है बाई चांस इस केस में, तो A2 A1 भी कैंसिल हो गया, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो गई। तो अब इसमें आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 50 × 10³ इज इक्वल टू, P1 कॉमन आ गया, ठीक है सर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना रह गया सर, 1 रह गया, प्लस यहाँ से भी P1 कॉमन आ गया, 2 × A1 A2 कैंसिल हो चुका है, E2 की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁵, यानी सीधी 10⁵ लिख देते हैं, और E1 की वैल्यू कितनी है सर, 2 × 10⁵, यानी मैं इसको नीचे क्या लिख देता हूँ, 2 × 10⁵। तो मुझे लगता है क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, यानी P1 जो हो गया 2P1 हो गया, 2P1 इज इक्वल टू 50 × 10³। तो यहाँ से आपने P1 निकाल लिया, और P1 आपका आ गया कितना, दैट इज 25 × 10³। तो ये अगर मेरा P1 आ गया, तो P1 और P2 के बीच में आपके पास ये रिलेशन है, चाहे यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको ये वाली इक्वेशन में, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि P मालूम है आपको, P1 मालूम है आपको, तो P2 भी आ जाएगा यहाँ से। तो अब हमने स्ट्रेस निकालनी है 1 पे, तो स्ट्रेस आएगी P1 अपॉन A1, तो दैट इज़ P1 हमें मालूम है, तो P1 की वैल्यू जस्ट पुट कर देते हैं कितनी है वो, दैट इज 2 × 25 × 10³। तो यहाँ से हमारी जो स्ट्रेस है वो आ गई 25 N/mm². तो ये मैंने निकाल ली है, तो आपने जब स्ट्रेस 1 आ गई है, तो ये जो P1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, ये 25 × 10³, P की वैल्यू आपको मालूम है 50 × 10³ है, तो P2 भी निकाल लिए, P2 निकालने के बाद जो स्ट्रेस 2 है वो P2 / A2 होगी, तो उसको निकाल के भेजिए मुझे, ठीक है। तो पहले आज इतने कीजिए, फिर आगे दोबारा भेजेंगे, ओके बाय बाय।